क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले हमने प्रोफेसर भीम सिंह जी को ट्रिब्यूट्स दिए, अपने जो दिल के वो बातें थी, फीलिंग्स थी, वो हमारे जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट्स जो यहाँ आए हैं, उन लोगों ने उनके तरह ताई जो है खराज अकीदत पेश की, और उसके पश्चात हम थोड़े बहुत जो अपना प्रोग्राम है पार्टी का वो भी डिस्कस किया, और हमने ये बनाया प्रोग्राम कि हम महीने डेढ़ महीने में एक कन्वेंशन बुलाएंगे जिसमें हम पार्टी के जो रूपरेखा है, कार्यक्रम है, वो आपके सामने लाएंगे और रखेंगे। कोई उद्धन ना कोई प्रवीण प्रेजिडेंट कुछ चुनिया चुनिया तो नहीं ना इसमें? नहीं, चुनिया इसमें है कि बोलो फिर 2 जून को इमरजेंसी मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी दी, और जिसके विच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जिन्हें भी साढ़े है ना वर्किंग कमेटी मेंबर, उन्होंने वर्चुअली और इन पर्सन आल्सो उन्होंने एक किया कि भाई असी पी के गंजू नू जेड़ा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सी पैंथर पार्टी का, उन्होंने तारीख का जो भी है वर्किंग कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया, और ये तब तक नियुक्ति है जिस वेले तक असी कोई नवा चुनाव नहीं करते नवे प्रेसिडेंट वास्ते। जो जो साथी छोड़ के चले गए जैसे मनकोतिया, वो साथी वापस आएंगे? सर ये मैं नहीं कह सकता, इसके लिए हम ने एक कमेटी बनाई है, डिसिप्लिनरी कमेटी, वो स्क्रीनिंग कमेटी, वो डिसाइड करेंगे, वो देखेंगे किन हालात में किन वजह से, क्योंकि अगर जो चला गया बट वी हैव टू लिसन टू देम जो देयर प्रॉब्लम, वो क्यों चले गए, हो सकता है हमारे हमारी कोई गलती हो जिस कारण से वो चल पड़े, या जो उस वक्त के जो भी लोग थे तो उनके कारण वो निकल गए हो, तो इसके विषय में हम बात करेंगे और हमारी कमेटी जो है वो अगर वो आना चाहेंगे तो पार्टी वापस लेगी, ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अगेन वही वो कमेटी का मसला है, कमेटी डिस्कस करेगी वो, फिर जब वो कहेंगे हाँ ओके तो हम ओके। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि उनको बुलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा? नहीं, किसी ने नहीं कहा सर, किसी ने मैं नहीं सर, मैंने दिस इज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम एड्रेसिंग। ठीक।